हेल्थ, ब्यूटी और प्रोडक्ट्स के रिव्यू से रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वागत है दोस्तों, किसान से संबंधित जो है आयुर्वेद काम और हर्बल मेडिसिनल ये सब प्लांटिंग का काम है। सेकंड, किसान फार्मर से रिलेटेड जो है वो दूध का संग्रहण करके, दूध जो आता है गाय और भैंस के द्वारा दूध जो जमा होता है उसका संग्रहण यहाँ होता है। उसके बाद ये डक है, इसमें मिल्क जो है पूरा आता है। आने के बाद ये यहाँ से बाय पाइप के द्वारा, ये उस पाइप के द्वारा ये पूरा दूध का ये जो देख रहे हैं ये टैंकिंग मशीनरी है, अभी ऑन है। टैंकिंग मशीनरी जो है ये ऑन है और ये ऑटोमेटिक बाया से जाता है सीधा टैंक में और टैंक इसको फुल करता है। फुल करने के बाद ये जो है दूध ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद जो है फिर ये टैंक लोड़ी में जाता है और ये पुल में जो है, पुल की कैपेसिटी जो है लगभग 50 क्विंटल से अबव है। और ये तरह ये कंप्रेसर, क्योंकि कंप्रेसर का मेन काम जो होता है वर्क जो होता है इसको पावर एब्जॉर्ब करके देना और इसको मूविंग देते रहना जिससे कि दूध ऑटोमेटिक मोड में ठंडा होते रहे। फिर ये जो है ये डबल कंप्रेसर, डबल कंप्रेसर अपना काम करता है। ये जो है स्टेबलाइजर है, देखते हैं टोटल वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए स्टेबलाइजिंग सिस्टम। स्टेबलाइजर टोटल वोल्टेज अगर घट गया बढ़ गया, सपोज दैट जो भी पावर आता है, पावर घटने बढ़ने के बाद ये टोटल कंट्रोल करता है। इससे लेके मेन लाइन से लेके कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के बाद फिर ये कंप्रेसर को रिलीज करता है और फिर कंप्रेसर जो है वो अंदर मूविंग बरकरार रखता है और दूध पूरा जो घूमते रहता है। ये सब हमारा ये दूध का देख रहे हैं, ये दूध का है, ये कैन है जिसमें कि दूध इकट्ठा होता है। टोटल कैन में दूध आता है सब गाड़ी से और इकट्ठा किसानों के द्वारा लिया जाता है और दूध इकट्ठा होकर आता है इसके द्वारा ऑटोमेटिक सब जाता है। दूसरा जो है ये कैन वाशर इसको बोलते हैं। कैन जो है किस तरह से वाश होता है ऑटोमेटिक, जब कैन एक साथ 25-50 कैन होता है जमा तो फिर उसको वाश किया जाता है, वाश मोड में आता है। वाश करने के बाद फिर ये सेपरेट रखा जाता है। ये सब मिल्क चिलिंग का ये फंक्शन है। मिल्क चिलिंग जो दूध कलेक्ट होता है तो दूध कलेक्ट होने के बाद मिल्क चिल होता है, ठंडा होता है, फिर जो उसका जो है प्रोसेस होने के बाद यहाँ से फिर बाहर जा मतलब हर फैक्ट्रीज को या पैकेजिंग में। तो किसान का दूध जो जमा होता है, दूध जमा होने का भी अलग अलग प्रोसेस है, क्योंकि जिसका जो फेडरेशन होता है अलग अलग फैट के हिसाब से इसका रेट तय होता है। कंपनी जिसका रेट तय करती है किस तरह से क्या फैट होता है। कलेक्शन जो है, कलेक्शन इसमें टोटल कलेक्ट होता है अलग अलग सेंटर का, अलग अलग कैन का दूध जो है इसमें सैंपल के रूप में जमा होता है। थोड़ा सा लेते हैं और फिर ये सैंपल लेने के बाद ये ऑटोमेटिक मोड में जो है मिल्क जो है एनालाइजर है, मिल्क एनालाइजर है मैं इसका फाइनल जो है आगे ICAR के द्वारा जो, चूँकि पूसा का STFR जो है ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो मिल्क का। दोस्तों ये किसान का जो है वर्क यहाँ पे प्रोसेस होता है, मिल्क प्रोसेस होता है। अगर आपको जानकारियाँ और चाहिए मिल्क से और मिल्क के प्रोसेस से रिलेटेड तो आपको ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे और